शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से एक खबर जहां पर राजेंद्र नगर में दर्दनाक हादसा हो गया। राव आईएएस कोचिंग सेंटर में यह हादसा हुआ है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से यह बड़ा हादसा हो गया। पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई। पानी में डूबने की वजह से इनकी मौत हो गई है। तो यह बड़ा हादसा राजेंद्र नगर में। फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं देर रात की, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वाटर पंपिंग मशीन आपको नजर आ रही होंगी जिसकी सहायता से बेसमेंट में से पानी निकाला गया। और लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 3 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक यह हादसा। राव आईएएस कोचिंग सेंटर की ये तस्वीरें जहां पर कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भर गया क्योंकि बारिश लगातार जारी है। और 2 तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। राव आईएएस स्टडी सेंटर ये है, कोचिंग सेंटर ये है। और जो बीच में तस्वीर आपको नजर आ रही है, जो दूसरी तस्वीर है, वो लाइव तस्वीरें हैं सुबह सवेरे की, जब पुलिस लगातार वहां पर मौजूद है और इन्वेस्टिगेट उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि बारिश का सिलसिला लगातार जारी, खासतौर पर उत्तर भारत में और दिल्ली NCR में जिस तरीके से बारिश हो रही है उसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव की खबरें आ रही है। और इस बीच दिल्ली की अगर बात की जाए तो लगातार बीजेपी और जनता आम आदमी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करके यह सवाल कर रही है कि आखिरकार समय रहते इंतजाम क्यों नहीं किए जाते हैं, क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम एक बार फिर से फेल होता हुआ नजर आया। NDRF की टीमें भी आपको नजर आ रही होंगी जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देती हुई देर रात नजर आई। कड़ी मेहनत के बाद में, कड़ी मुशक्कत के बाद में किसी तरीके से बेसमेंट में भरे पानी को बाहर निकाला गया। पुलिस की टीम, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम, NDRF की टीमें और साथ साथ में आम जन आपको नजर आ रहे होंगे जो कि इस हादसे के बाद में रेस्क्यू को अंजाम देते हुए नजर आए। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, दूसरी तस्वीर सुबह सवेरे की अभी फिलहाल लाइव आप देख रहे हैं, वहीं 2 तस्वीरें कल रात की जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया लेकिन पानी भर जाने की वजह से 3 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा बैठते हैं। आखिरकार इनकी जानों का जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है क्योंकि अगर नदी नालों को साफ किया जाता, समय रहते काम किया जाता, समय रहते ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर काम किया जाता तो यह नौबत नहीं आती और यह 3 स्टूडेंट्स आज हमारे बीच में मौजूद होते। छात्रों की मौत का मुजरिम कौन है? यही सवाल फिलहाल उठाया जा रहा है क्योंकि पानी भरने की वजह से यह बड़ा हादसा होता है, लापरवाही से यह बड़ा हादसा होता है। समय रहते चीजें क्यों नहीं ठीक की गई? और बड़ी बात यह कि जब ये स्टूडेंट्स अंदर जा रहे थे तो क्या किसी तरीके की जो वार्निंग प्लेट है वो लगाई गई थी? और कैसे ये पूरा घटनाक्रम होता है ये भी लगातार सवालों के घेरे में है। फिलहाल पूरा मामला पुलिस के नजरों में है और पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। फिलहाल दिल्ली के राजेंद्र नगर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर आईएएस कोचिंग सेंटर में पानी भर गया बेसमेंट में क्योंकि बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली के राजेंद्र नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी भरा और अब तक 3 छात्रों की मौत की जानकारी मिली है। वहां पर कई सारे जो चश्मदीद थे वो भी मौजूद थे। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर के स्टाफ राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां से 3 स्टूडेंट्स की मौत की खबर मिली है पानी में डूबने की वजह से, बेसमेंट में भरे पानी में डूबने की वजह से। अब इस बीच NDRF की टीमें मौके पर है, पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। पानी को बाहर निकाला गया, देर रात तक यह ऑपरेशन चलाया गया लेकिन तब तक 3 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा चुके थे। अफरा तफरी का माहौल, लोगों की भीड़ साफ तौर पर रात को देखी गई। राजधानी में सरकार और प्रशासन के कुप्रबंधन के कारण, तेज बारिश की वजह से जलभराव के कारण सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले 3 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा बैठ चुके हैं क्योंकि बेसमेंट में पानी भरा, ड्रेनेज सही से काम नहीं किया जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। अब घटना ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके की बताई जा रही है जहां पर राव आईएएस स्टूडेंट सेंटर में यहां पर बेसमेंट में भारी बारिश की वजह से पानी भरा और 3 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा बैठते हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक से पानी भर जाने से 3 छात्र दर्दनाक मौत हो जाती है उनकी। और इस बीच देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सुरेश झा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है दिल्ली की, उस दिल्ली की जो देश की राजधानी है और हर मानसून में दिल्ली में लगभग यही हाल हो जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, जब सत्ता में आए थे उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। और आप पेरिस देखिए, इसी पानी की वजह से आज 3 छात्र मारे गए। राउज आइस एकेडमी है,
इस बेसमेंट में यही पानी भर गया था। बेसमेंट में लाइब्रेरी थी जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन पानी का वेव इतना आया, इतना बढ़ा कि बच्चे बाहर नहीं आ पाए और उसके बाद उसमें काफ़ी 6 फुट पता रहे कि पानी भर गया। और पानी भरने के साथ ही यहाँ पर दमकल विभाग पहुँच गया, दिल्ली पुलिस पहुँच गई, NDRF की टीम पहुँच गई और आप देखिए कि रात के लगभग 2 बजे हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने जाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो घटना हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे। आप यहीं पढ़ते हैं क्या? नहीं नहीं, हम करोल बाग से हैं। हमको जब पता चला कि इस तरह से पानी भर जाने के कारण बहुत सारे लड़के फंस गए बेसमेंट में, तो हमें भी मतलब कि यहाँ पे एक तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जब भी पानी गिरता है तो पूरा पानी इधर भर जाता है। बहुत पहले से, कई सालों से ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है। अब बेसमेंट में सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि जहाँ पे पानी भर रहा है वहाँ पे बेसमेंट में कोई जो बेसमेंट कितना गहरा था ये लगभग 8 फीट होगा। मैं यहाँ पे 2 महीना पहले एग्जाम दिया हूँ, इसका कैपेसिटी लगभग 70-80 है। अब देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं और नहीं है, पता चलेगा हमको देखने के बाद। ये यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो IAS अकेडमी है, तो वहाँ ऐसी समय बेसमेंट बना रखा जहाँ बच्चों को जो है पढ़ने के लिए बुलाया जाता है और कोई घटना दुर्घटना हो जाए बच्चे भाग भी नहीं पाते? ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ चुनिंदा ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनकी बेसमेंट में लाइब्रेरी होती है। क्लासेस नहीं चलती है लेकिन लाइब्रेरी होती है और लाइब्रेरी में भी सिलेक्टिव स्टूडेंट को ही दिया जाता है एक्सेस पढ़ने के लिए। तो वो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मेंस लिखते हैं या फिर वो उसी इंस्टीट्यूट के बच्चे होते हैं, तो वहाँ जाके पढ़ते हैं। और इनका यही कहना है कि उनकी जांच जो भी हो और जो इसके दोषी लोग हों उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कैंपस में प्रवेश के साथ सुरेश झा, Bharat 24 दिल्ली। और देखिए, कोचिंग सेंटर में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, देर रात तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। बिल्डिंग में फंसे 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और फिलहाल NDRF की टीमों ने बिल्डिंग का मुआयना भी किया है। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। पुलिस ने कोचिंग सेंटर के 2 कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया है, क्योंकि कोचिंग सेंटर के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी बड़े आरोप लगने तय माने जा रहे हैं। जिस तरीके से कोचिंग सेंटर में अगर बेसमेंट में पानी भरा था तो समय रहते जो सूचना थी स्टूडेंट्स को क्यों नहीं दी गई, जो बोर्ड था कि पानी भरा है ऐसा कुछ क्यों नहीं लगाया गया और उन दरवाजों को लॉक क्यों नहीं किया गया, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को जहां पर बेसमेंट में जाने का रास्ता था। 2 कर्मचारियों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। कोचिंग सेंटर के मालिक से भी पूछताछ लगातार पुलिस के द्वारा की जाएगी। 3 छात्रों के शवों को फिलहाल RML अस्पताल में रखा गया है, परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम इन शवों का कराया जाएगा। लेकिन ये बेहद दुखद खबर दिल्ली से, जहां पर राजेंद्र नगर में बड़ा हादसा हो जाता है, बेसमेंट में पानी भरा होता है और पानी भरने की वजह से 3 स्टूडेंट्स इसमें डूब जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। फिलहाल उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए रखा है। और इस बीच दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक से पानी भर जाने की वजह से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सुरेश झा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है दिल्ली की, उस दिल्ली की जो देश की राजधानी है, और हर मानसून में दिल्ली में लगभग यही हाल हो जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, जब सत्ता में आए थे उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ समय दीजिए मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, और आप पेरिस देखिए। इसी पानी की वजह से आज 3 छात्र मारे गए। राउज IAS अकेडमी है, इस बेसमेंट में यही पानी भर गया था। बेसमेंट में लाइब्रेरी थी जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन पानी का वेव इतना आया, इतना बढ़ा कि बच्चे बाहर नहीं आ पाए और उसके बाद उसमें काफ़ी 6 फुट पता रहे कि पानी भर गया। और पानी भरने के साथ ही यहाँ पर दमकल विभाग पहुँच गया, दिल्ली पुलिस पहुँच गई, NDRF की टीम पहुँच गई और आप देखिए कि रात के लगभग 2 बजे हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। काफ़ी पानी भरा हुआ बेसमेंट के अंदर और इस बेसमेंट के अंदर भरे पानी को लगातार जो है निकालने का काम जारी है। अब ये देखें कि जिस वेग से पानी बह रहा है आप समझ सकते हैं कि बेसमेंट में कितना पानी भरा होगा। और अभी तक 3 बॉडी निकली है और माना जा रहा है कि अभी जैसे पानी निकलेगा उसके बाद और पता चल पाएगा कि अंदर और कितने बच्चे थे जो पढ़ने के लिए गए थे। लेकिन दिल्ली के अंदर जिस तरीके से ये जो हालात पैदा होते हैं, ये हालात पैदा जब कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए मुसीबत लेके आते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। दिल्ली में यही हाल होता मानसून में? देखो, ये 10 साल से सरकार है
और ये कहते हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे, ऐसी सरकार चलेगी क्या? ये देश की राजधानी की ये हालत है तो पूरे देश का क्या हाल होगा? हर मानसून जब सूखा आता है कहते हैं पानी नहीं है, और पानी आता है उसे संभालने के लिए व्यवस्था नहीं है। इतनी भ्रष्ट सरकार है, इसे सिवाय अपनी कुर्सी के बचाने के कुछ नजर नहीं आता। जिन बच्चों के माँ बापों के बच्चे गए ना, उनसे पूछो, सुबह उठेंगे मुआवजा घोषित कर देंगे। जिनके बच्चे गए उनके हालात से पूछो, स्टूडेंट किस भरोसे से दिल्ली में पढ़ने के लिए आते हैं कि दिल्ली राजधानी है, और माँ बाप इसी भरोसे यहाँ भेजते हैं। लोगों में कितना आक्रोश है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली वालों के में रोष है, और ये जल भराव की वजह से आए दिन घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अभी तक अगर आंकड़ा देखा जाए तो इस जल भराव की वजह से जो करंट लगता है उसमें कम से कम अभी जो पिछले दिनों दो लोग मारे गए जा चुके करंट की वजह से, और फिलहाल जो ये हादसा हुआ है, हालांकि इसके लिए अभी जो फिलहाल साफ नहीं हो पाया कि अभी कितने और लोग हैं, लेकिन जिस तरह से पानी देखिए आप, जो पानी का वेव जो निकल रहा है उससे लगता है कि पानी कितना भरा होगा। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, इसके ऑपरेशन के बाद ही साफ हो पाएगा हालांकि कितना है। लेकिन दिल्ली की जो हालत है वो अब आपके सामने है कि दिल्ली को जिन्होंने पेरिस बनाने का वादा किया था वो पेरिस कैसी है वो आज आपके सामने है। कैमरा पर्सन परवेश के साथ सुरेश झा, भारत 24 दिल्ली। अभी NDRF की जो डाइवर्स की टीम है, टोटल अब तक 3 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, 2 फीमेल बॉडीज एंड 1 मेल बॉडी। उनको फर्दर लीगल एक्शन के लिए हमने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। यहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर को पंप आउट करने की काम जारी है। अभी एक फाइनल राउंड ऑफ सर्च बाकी है, काफी हद तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन काफी हद तक कंक्लूजन की तरफ चल पड़ा है, और जो लास्ट एक मैनुअल सर्च एक होना है, एक लास्ट राउंड सर्च होना है, वो अभी कुछ देर में शुरू होगा या थोड़ा और पानी पंप आउट हो जाएगा।